हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर परसेंटेज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। उसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ परसेंटेज की, प्रतिशत। देखिए, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, इसका अर्थ हमारा क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, मतलब 100 में। देखिए, जो प्रतिशत हमारा होता है, प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। कोई भी जैसे हमारा अनुपात होता है, उसको व्यक्त करने का हमारा एक तरीका है, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। इसको हम जैसे बोलेंगे प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, तो यहां पर हम कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिशत हम बनाते हैं। प्रतिशत इक्वल टू हमारा क्या होता है, जैसे हमारा प्रतिशत का सिंबल, हमारा जो चिन्ह होता है प्रतिशत का, वो ये होता है हमारा। तो प्रतिशत बराबर हमारा क्या होता है, 1/100 होता है। तो इसको हम प्रतिशत कहते हैं। देखिए, प्रतिशत मतलब 1 में 1/100, मतलब 1 के प्रति 100। तो ये हमारा होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रति शत बराबर 1/100 प्रति 100 में, या फिर 100 में 1। क्योंकि देखिए, हमारा जो प्रतिशत होता है एक्चुअली, वो हमारा हम पार्ट के रूप में समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे किसी संख्या के x प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा उस संख्या के 100 बराबर भागों में से 100वां भाग हमारा x प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम किसी संख्या के x प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, तो उस संख्या के 100 बराबर भागों में से x भाग, तो वो हमारा वहां पर x प्रतिशत कहलाता है। अब जैसे हमें 50% को देखना है, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं। देखिए, 50% का मतलब हमारा क्या होता है, 50 के 100 भागों में से 50 भाग, अर्थात हम कह सकते हैं 50/100। और 50/100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, हम यहां पर 50 × 1/100, और हमने अभी 1/100 को क्या लिखा था, प्रतिशत। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 50%। तो यही इसका मतलब होता है प्रतिशत का। अब देखिए, ये हमारा इसके बारे में, इसका जो बेसिक नॉलेज था इसके बारे में वो था। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं, उनका हम देखेंगे अलग अलग यहाँ पर फॉर्म। देखिए, ये हमारा पहला टाइप है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। हमें बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे हमें कोई दशमलव वाली संख्या दे दी जाती है या फिर कोई भिन्न दे दी जाती है, साधारण भिन्न, उसको हमें बताना पड़ता है कि प्रतिशत में बदलिए। तो वहां पे हम कैसे बताएंगे, देखिए, तो वहां पर हम 100 का गुणा कर देंगे सीधे सीधे। जैसे हमें 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, 3/5 हमारी एक साधारण भिन्न है, एक यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन है। अब इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे हम, देखिए, 3/5 को 100 से गुणा कर देंगे, और 100 से गुणा करने पर देखिए क्या आता है, हमें यहाँ पर 60 आ जाएगा, और पीछे क्या लगा देंगे, परसेंटेज, प्रतिशत। तो ये हमारा यहाँ पर 60% आ गया, 3/5 को हमने प्रतिशत में चेंज कर दिया। अब वैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दशमलव में दे दिया हो 3.5/100। अब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्या है तो आप गुणा कर देंगे 100 का, 3.5/100 तो यहाँ पर ही, इंटू आप 100 कर देंगे, 100 ही 100 कट गया, तो 3.5% यहाँ पर आ जाएगा, तो 3.5%। तो ये हमारा जो है एक साधारण भिन्न और दशमलव को प्रतिशत में बदलने का एक तरीका है। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है, अब देखिए, जो हमारा दूसरा टाइप होता है, एक प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है हमें कि बताइए, हमारा जो 60% होगा, इसको आप भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सीधे 60 को यहाँ पर 60/100, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 6/10 भिन्न के रूप में मिल गया, या फिर आप इसे काट के दोबारा काट सकते हैं, 3/5 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ये 60% का एक फ्रैक्शन फॉर्म है, भिन्न वाले रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे यहाँ पे सेकेंड टाइप का था। अब देखिए, मैं नेक्स्ट टाइप का एक हमारा जो है होता है, अब देखिए, हमारा ये टाइप हमें काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट कंपटीशन में पूछा जाता है एक क्वेश्चन में, यदि ए बी से एक्स प्रतिशत कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब आपको यहाँ पर सीधे निकालना है इसको,
यहाँ पर आप ट्रिक का यूज करेंगे। हमारी एक ट्रिक होती है इसके लिए छोटी सी, एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। ये करने के बाद आपको यहाँ पर सीधे पता लग जाएगा कि बी जो है ए से कितना अधिक है, और जब कम वाला केस होगा तो यहाँ पर आप प्लस कर देंगे, क्योंकि देखिए जब हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे बढ़ जाएगा तो ये खुद ही कम हो जाएगा जो एक्स का मान है, और यदि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर कम हो गया जो हर हमारा यहाँ पर नीचे से उसका मान कम हो गया तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो कम वाले केस में आपको क्या करना है, यहाँ प्लस करना है, और जब अधिक है कितना अधिक है वो बताना है तो यहाँ पर आपको माइनस करना है। अब देखिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि ए जो है बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो आप क्या करेंगे वहां पर सीधे 10/100-10 और गुणा 100 कर देंगे, तो क्या मिलता है आपको देखिए 10/ यहां पर 90 आ गया गुणा 100, तो यहां पर आपको मिलता है 0 0 काटने पर 100/9, तो 100/9 यहाँ पे परसेंटेज आपको प्रतिशत आ गया, यहाँ पे निकाल लिया आपने, या आप इसको चाहें तो आई को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका जैसे हो जाएगा इतना प्रतिशत यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारे इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे होते हैं ये पूछे जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टाइप है, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े बड़े कंपटीशनों में और छोटे कंपटीशन में सभी में। माना किसी मशीन की जगह पर आप यहाँ पर शहर, गांव या नगर कुछ भी ले सकते हैं, ये भी आपका हो सकता है। तो माना किसी मशीन का मूल्य पी है और मूल्य की जगह पर जनसंख्या भी आप ले सकते हैं, तो पी है तथा इसके अवमूल्यन की दर जो यहाँ पे डिप्रेशिएट यहाँ पे हो रहा है, इसकी इसमें कमी आ रही है जो है कि दर 8% वार्षिक है, तब आपको इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये कि n वर्ष बाद मशीन का मूल्य पहला आपको ये पूछा जाता है, तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पी इंटू 1 माइनस r/100 की पावर n। यहाँ पर हमारा n क्या है, n हमारा समय है, जितने भी वर्ष होंगे 2, 3, 4 जितने भी वर्ष बाद देखना है, और पी हमारा यहाँ पे वही है मूल्य या फिर हम जनसंख्या ले सकते हैं, और r दर है यहाँ पे। अब देखिए इसी में आपको क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि माना किसी शहर की जनसंख्या इतनी है और इसके कम होने की जो दर है वो इतनी है, तो बताइए n वर्ष बाद उस शहर की या उस गांव की उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो उस केस में भी आपका यही फॉर्मूला बनता है। तो आप इसको 2-3 तरीकों से आप समझ सकते हैं, क्योंकि सभी में आपका यही यूज होना है। तो ये हमारा पहले टाइप का हो गया, और जो दूसरे टाइप का पूछा आता है वो हमें क्या पूछा आता है, देखिए वो हमें पूछा आता है कि n वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी या फिर इस मशीन का मूल्य क्या था। तो n वर्ष पूर्व, तो पूर्व मतलब हमें पास्ट में जाना है, पूर्व का जब हमें मूल्य बताना होता है या फिर जनसंख्या बतानी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पी अपॉन कर देंगे, जो भी क्वांटिटी है नीचे आ जाएगी, हर में आ जाएगी, तो 1 माइनस r/100 की पावर n। बाकी सेम आपका, केवल आपको ये ध्यान देना है जो यहाँ पर आप गुणा कर रहे हैं जिसे उसे आप यहाँ पर भाग दे देंगे, जब आपका यहाँ पर पूर्व वाला केस होगा, जब बाद वाला केस होगा आफ्टर में फ्यूजर में देखना है तो फ्यूजर के लिए आप यहाँ पर गुणा कर देंगे और पास्ट वाले के लिए भाग दे देंगे। तो यही आपका जो है सेम यहाँ पर भी काम आ सकता है, जब जनसंख्या हमें दी होती है और उसकी वृद्धि दर दी होती है तो हमें बताना पड़ता है कि इतने साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी या इतने साल पूर्व वहाँ की जनसंख्या क्या रही होगी। तो इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको आप इससे क्लियर कर सकते हैं आराम से इस फॉर्मूले से। तो ये हमारे प्रतिशत पर आधारित जो हमारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे देखे उनके डिफरेंट टाइप, और साथ ही साथ जो प्रतिशत का मीनिंग होता है, प्रतिशत हमारा होता क्या है उसको हमने यहाँ पे देखा, और हम इसके जो है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक्स।